ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की कल की सबसे बड़ी जो मैच होने वाला है, वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में, आपको उनके बारे में जो क्या होगा, पिच कंडीशन क्या होगा, टीम का प्रीव्यू क्या होगा, टॉप बैट्समैन क्या होगा, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका प्रीवियस मैच का रिकॉर्ड्स क्या होगा, उन लोगों का बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर और बेस्ट जो कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, जो सेफ टीम होगा, आपको डिटेल्स में समझाना जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा फर्स्ट टू लास्ट देखिए, थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन पूरा डिटेल्स में आपको समझाना जाएगा इस वीडियो में। आपको इस वीडियो देखने के बाद टीम बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, किसी भी वीडियो को और देखने का जरूरत नहीं होगा, आपको पूरा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट खेल रहे कोई भी फैंटेसी लीग ड्रीम इलेवन या प्ले पोर्ट्स या बल्लेबाजी कोई भी, आपको आसानी से इस वीडियो को देख के टीम बना सकेंगे, किसी का हेल्प आपको जरूरत और नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स में थोड़ा आपको समझाने वाला हूँ। प्लीज़ थोड़ा धैर्य रख के वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा 8 घंटा में ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ये डिटेल्स सारे निकाला, जाके आपको कोई परेशानी ना आए टीम बनाने में। चलिए मैं बात करता हूँ इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका टीम के जो मैच के बारे में आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट मैच खेलने वाला है, उसमें इंग्लैंड की जो स्क्वाड रहेगा उसमें आपको यॉन मॉर्गन, जॉस बटलर, मोइन अली, जोफ्रा अच्छा, जॉनी वेरिस्टो, जोई रूट, टॉम करेन, जॉय डेनली, क्रिस जॉर्डन, लियम प्लंकेट, अदिल रशीद, जैसन रॉय, बेन स्टोक, जेम्स विंस, डेविड विली, क्रिस ओक और मार्कुट रहने वाला है। ये पूरा स्क्वाड है इंग्लैंड का। और साउथ अफ्रीका में फैफ डुप्लेसी, हसी मामला, क्विंटन डीकॉक, जेपी डुमिनी, आयदिन मकरम, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, लुंगी एनगिरी, अंदिले, डेन पेट्रस, कैसिको राबाडा, तबरेज सामिसी, डेल स्टेन, इमरान ताहिर, राइस वेन, डे डिसन। और इस प्लान का आपको जो अभी इंग्लैंड का जो आपको लास्ट सब मैच के अंतर जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें किसका कैसा स्टेटस था, क्या पोजीशन था। अभी इंग्लैंड के पोजीशन देखिए तो जैसन रॉय का 121 रन बना था, जेम्स विंस का 264 रन, जॉस बटलर का 52 रन। और उसमें इंग्लैंड का बॉलर देखे तो जोफ्रा अच्छा का 3 विकेट लिया था, जोई रूट का आपका 3 विकेट पिक किया था। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ का प्लेयर का स्टेटस देखे तो वार्म अप मैच का तो हसी मामला जो था, हसी मामला का 116 रन हुआ था और आपका फैफ डुप्लेसी का 88 रन हुआ था। उसमें भी आपको ये दोनों बॉलर लुंगी एंगिरी और पेलकुआओ 4 विकेट और 2 विकेट लिए थे। अभी बात करें तो आपको हेड टू हेड के बारे में, हेड टू हेड के रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में टोटल नंबर ऑफ प्ले खेला था ये दोनों टीमों ने 59 मैच, उसमें से इंग्लैंड ओन किया था 26 मैच और साउथ अफ्रीका ने ओन किया था 29 मैच। और इंग्लैंड में जो मैच होने वाला था ये दोनों टीम के अंदर, इंग्लैंड उसमें से 15 मैच ओन किया था, साउथ अफ्रीका ने 8 मैच ओन किया था। और आपका साउथ अफ्रीका में जो ये दोनों के टीम के बीच खेला हुआ था उसमें इंग्लैंड 8 मैच ओन किया था, साउथ अफ्रीका ने 17 मैच ओन किया था। और न्यूट्रल जगह में जो हुआ था, मतलब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड किसी जगह पे नहीं, दूसरे किसी कंट्री पे खेला हुआ था इस दोनों के टीम के बीच, उसमें 7 मैचों से इंग्लैंड 3 मैच खेला था और साउथ अफ्रीका 4 मैच खेला था। और ICC वर्ल्ड कप में ये दोनों टीम की अंदर तो 4 मैच हुआ था, इंग्लैंड 2 मैच और साउथ अफ्रीका 2 मैच खेला था। अब हाईएस्ट रन देख सकते हैं आप एवरेज में, हसी मामला का 963 रन हुआ था एवरेज 53, इरु मॉर्गन का आपका 497 रन हुआ था एवरेज 38, जोई रूट का 477 रन एवरेज 53, क्वांटम डीकॉक का आपका 463 रन हुआ था एवरेज 66, फैफ डुप्लेसी का आपका 326 रन हुआ था एवरेज 27। हाईएस्ट विकेट टेकर देख सकते हैं कैसिको राबाडा 7 मैच में 16 विकेट निकाले थे और क्रिस मॉरिस, आदिल रशीद में 7 मैच में 7 विकेट निकाले थे। ओके, अब जो प्लेयर का बैटल होने वाला है, जो कौन सा बैट्समैन कौन सा बॉलर के लिए हावी होने वाला है, कौन सा बॉलर कौन सा बैट्समैन के ऊपर हावी होने वाला है, देख सकते हैं आप। कैसिको राबाडा टू जैसन रॉय में 50 बॉल में 31 रन किया था, 3 टाइम आउट किया था उसको। राबाडा टू बटलर ने आपको 22 बॉल में 13 रन किया था, 3 टाइम आउट किया था। कैसिको राबाडा टू बेन स्टोक ने 23 बॉल में 35 रन किए थे और आपका 3 टाइम आउट हुआ था। ताहिर टू जैसन रॉय में 3 बॉल में 1 रन एक बार आउट किया था। ब्रेन स्टोक टू क्वांटम डीकॉक 49 बॉल 55 रन 2 टाइम आउट किया था। क्रिस ओक और फैफ डुप्लेसी ने 17 बॉल में आपको 22 रन किया था, 1 टाइम आउट किया था। लियम प्लंकेट ने टू डुप्लेसी को 24 बॉल में 20 रन दिया था और 2 टाइम आउट किया था। आदिल रशीद को जेपी डुमिनी को 37 बॉल में 42 रन दिया था और 2 टाइम आउट किया था। जेपी डुमिनी टू यून मॉर्गन है जो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन रहेगा आपको, उसमें से जोई रूट, जॉनी वेरिस्टो, हसी मामला और फेफ डुप्लेसी।
और इंग्लैंड के प्लेइंग 11 का लास्ट 5 ODI परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप। उसमें जॉनी बेयरस्टो ने एक मैच में 32 उसमें 128 सेंचुरी मारे थे और 51 एक मैच में आपको रन नहीं किया था और 11 रन किया था और एक मैच में। आप पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं सभी टीम का डिटेल्स में आपको दिया गया है। आप डिटेल्स में वीडियो पॉज कर करके देख लीजिए, इसमें आपको आपको आगे बनाने में बहुत आसानी होगी टीम बनाने में। ये पूरा डिटेल्स में जो आज दिया हुआ आपको पूरा डिटेल्स आपको वीडियो पॉज कर करके देखिए तो आपको वीडियो फास्ट टू लास्ट समझ में आएगा कौन सा प्लेयर पिक करना अच्छा रहेगा, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन सा बॉलर फॉर्म में है, कौन सा बॉलर किसके लिए अच्छा है। आप डिटेल्स में समझ पाएंगे, आप डिटेल्स में देख लीजिए। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी आपको लास्ट 5 ODI मैच का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप कौन सा बोला, कौन सा बैट्समैन कैसे खेले थे, कौन सा। अब ये देख सकते हैं इंग्लैंड का जो 4 प्लेयर अभी बाहर में है बेंच प्लेयर उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका जो 4 प्लेयर बाहर में उसका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। आपको एक और भी अच्छा बात बता दूं, जो साउथ अफ्रीका का जो प्लेयर डेल स्टेन जो बहुत बढ़िया बॉलर है वो अभी इंजुरी में बाहर है तो उनको मत लेना। और रिक्सी कैप्टन चॉइस हो सकता है क्वांटम डिकॉक जो बटलर जसन रॉय ए पेलखुआयो को। और पिच रिपोर्ट देखने वाले तो ये आपको खेला होने वाला है आपका केनिंगटन ओवल का लंदन का स्टेडियम में। ये आपको विकेट के लिए अच्छा मतलब बैटिंग के लिए भी विकेट के लिए भी अच्छा पिच रहेगा। यहाँ पे बहुत बारिश होता है इसलिए बारिश के लिए जब तक खेला रुक सकता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्पिनर को और अच्छा सुविधा मिल सकता है और फास्ट बॉलर को भी मिल ही जाता है। यहाँ पे फास्ट बैटिंग उन 3 टाइम हुआ था, सेकेंड बैटिंग उन 2 टाइम हुआ था और नो रिजल्ट अब 2 देख रही। इसका भी बात बता दूँ आपको, जो कुछ देर पहले मैं बोला जो इसका बारिश के लिए यहाँ पे कभी भी रुक जाता है खेला, ये 2 मैच वैसे ही हुआ था, कोई रिजल्ट नहीं निकला था उनका। यहाँ पे फास्ट बॉलर का एवरेज 33.25 इकोनॉमी रेट है और लेग ब्रेक बॉलर का भी यहाँ पे अच्छा सुविधा मिल सकता है। यहाँ पे 32 एवरेज में 5.65 इकोनॉमी रेट दिया गया था। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर करके पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिया। यहाँ पे आपको वीडियो बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आप वीडियो को रुक 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 के पॉज करके आप पूरा डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो आपको पूरा डिटेल्स में समझा दिया, आपको डिटेल्स को दिखा दिया। अभी आपको बात करने वाला है क्या होगा इन दोनों का टीम का प्रीव्यू, क्या होगा आपका प्लेइंग 11, क्या होगा आपका टीम ड्रीम 11 का और प्लेयर पॉट्स का। पहले आपको मैं प्लेयर पॉट्स के टीम के बारे में बता दूं, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था प्लेयर पॉट्स में अच्छा ऑप्शन आने वाला है, अच्छा प्राइस देने वाला है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। प्लेयर पॉट्स का जो लास्ट अपडेट है मैं आपको मेरा जो चैनल है लकी 11 टेलीग्राम चैनल उसमें दे दिया था, उसमें प्लेयर पॉट्स ने ऑफर दिया जो इस पूरा वर्ल्ड कप सीजन में जो भी पूरा मिला के कॉन्टेस्ट होगा जो प्लेयर उसमें फर्स्ट रैंक करेगा उसको मिलेगा वन प्लस 7 प्रो और सेकेंड रैंक को मिलेगा ओप्पो F11 और थर्ड रैंक को मिलेगा और सैमसंग A50 और भी 15 प्लेयर को मिलेगा अमेजोन एको और 20 प्लेयर को और मिलेगा अमेजोन इको डॉट। अब देख सकते हैं पूरा दिया हुआ यहाँ पे, यहाँ पे शायद थोड़ा गलती कर दिया इन्होंने, शायद थोड़ा गलती कर दिया, जैसे आपको यहाँ पे दिए थे सेकंड पे ओप्पो 11 जो 64 GB रैम ये पे गलती से लिख दिया, ऐसे कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है आपका, देख सकते हैं आप बहुत अच्छा है टीम। ये सब प्राइस आपको मिलने वाला है आपको प्लेयर स्पोर्ट्स का, आपको मैं टीम बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ आप सब मेरा चैनल में नया होंगे इसलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि मैं टीम देता हूँ सिर्फ आपका जो स्मॉल लीग के लिए टीम देता हूँ, हेड टू हेड के लिए टीम देता हूँ। हेड टू हेड में खेलिए 100% मेरा टीम से विन आएगा आपका। ग्रैंड लीग का सजेशन मैं नहीं देता और किसी को पर्सनली चाहिए तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम नंबर दिया है वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं पर्सनली आपको दे दूंगा। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता ग्रैंड लीग के लिए, वो रिक्स ही रहता है हमेशा। मैं सेफ खेलना बोल चाहता हूँ, मैं भी सेफ खेलता हूँ, आप लोगों को सेफ खेलने की मैं परमिशन देता हूँ। तो आप यहाँ पे टीम देख सकते हैं जो स्क्वाड बना के रखा हूँ मैं, आप वो आके डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे बैट्समैन के अंदर मैं लिया डेविड मिलर को, योन मॉर्गन को, हसीम अमला को, जॉय रूट को, जॉनी वेरिस्टो को। और बॉलर के अंदर लिया आपका इमरान ताहिर, कैसिको राबाडा और आपका क्रिस ओक को लिया। और आपका ऑलराउंड के बीच देखें तो आप एंड्रिले पेलखुआयो को लिया, मोइन अली को लिया। विकेट कीपर में ऑब्वियसली मैं क्विंटम डिकॉक को लिया।
आपका सभी टीम सभी अपडेट जो होगा, कौन प्लेयर खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या होगा वेदर का रिपोर्ट, क्या होगा पिच रिपोर्ट, क्या होगा आपका टॉस के बाद आपका प्लेइंग इलेवेंस, क्या होगा फाइनल स्क्वाड, क्या होगा फाइनल ड्रीम इलेवन टीम, फाइनल प्लेइंग प्लेयर पॉट्स टीम, वो आपको मेरा जो चैनल है लकी इलेवन टेलीग्राम पर वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मेरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं आपको टॉस के बाद पूरा अपडेट कर दूँगा और रोज़ जो जो नया नया अपडेट वाला छोटा से छोटा अपडेट वहाँ पर मैं दे देता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा चैनल में जाके। और प्लेयर पोर्स का जो ज्वाइन करने का लिंक है वहाँ पे इवी में डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, मेरा रेफरल कोड के साथ डाल देना, उसमें से आपको 30 रुपीज़ अर्निंग हो जाएगा। अभी बात करने वाला हूँ मैं ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, जो आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको वो दिखा दे रहा हूँ ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में यहाँ पे मैं दोनों विकेट कीपर के साथ जाना चाहता हूँ, क्वांटम डीकॉक और जॉनी बेयरस्टो के साथ, कि जॉस बटलर आपके लिए थोड़ा रिक्सी हो सकता है, अभी ये दोनों अच्छा फॉर्म में है, ये दोनों के साथ मैं जा रहा हूँ। तो अभी बैट्समैन की बात करते हैं, मैं इयान मॉर्गन, जॉय रूट, हसी मामला, डेविड मिलर के साथ जा सकता हूँ। यहाँ पे आप बहुत लोग बोलेंगे कि फैफ डुप्लेसिस क्यों नहीं ले, ये तो टॉप प्लेयर है, तो फैफ डुप्लेसिस को आप ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं, नहीं लेना चाहिए आपको, मैं यहाँ पे नहीं लिया इसलिए आपको, ये डेमो टीम है। और यहाँ पे और भी एक कारण नहीं लिया कि क्रेडिट की कमी के बजाय, यहाँ पे आप चाहे तो यू मॉर्गन को हटा के यहाँ पे आप जॉय रूट को हटा दीजिए, जैसन रॉय को लीजिए, फैफ डुप्लेसिस को लीजिए, ये भी एक टीम हो सकता है। यहाँ पे आप फैफ डुप्लेसिस के साथ जाइए, आप हसी मामला, जॉय रूट, डेविड मिलर, फिलहाल तो मैं ये दोनों के साथ जाता हूँ, फाइनल टीम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ऑलराउंडर में चाहिए तो मोइन अली और आपका ए प्लैंक हुआ को साथ आप जा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका जेबी डुमिनिया जुमिनी का भी रहेगा, ये आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों भी अच्छा खेलने वाला है। बॉलर की बात करें तो बहुत अच्छा है कि फास्ट जो थ्री बॉलर है टॉप बॉलर, इनको मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए आपको कैसे को डबल डेक फिक्स उफ और इमरान ताहिर के साथ मैं जा रहा हूँ। और भी अच्छा ऑप्शन आपका जो रहेगा, टॉम कारेन रहेगा, आदिल रशीद रहेगा, जोफ्रा अच्छा रहेगा, एन लुंगिरी रहेगा, या फिर इलियम प्लिंकट खेलने अगर वाला है तो ये अच्छा पिक हो सकता है। और डेल स्टेन तो नहीं खेलने वाला है, मार्कूट भी खेलने का चांसेस बहुत कम है। और यहाँ पे आप चाहे तो गैसी को रबाडा को हटा के यहाँ पे आप चाहे तो क्रिस और को हटा के आदिल रशीद को भी ले सकते हैं, या फिर आपका टॉम कारेन के भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अब अपनी मर्जी टीम सजा लेना, फाइनल टीम जो है मैं आपको अपडेट कर दिया जाएगी। ये डेमो टीम है आपको दिखाने के लिए, आप बताता था कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आता है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन दूंगा आपको क्वांटम डीकॉक का कैप्टन का, ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। सेकेंड जो आपका वाइस कैप्टन का ऑप्शन बदलने वाला हो आपका हसी मामला या जॉय रूट, अगर मैं आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप जॉय रूट के साथ जा सकते हैं, जॉय रूट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो डेमो टीम है ये पूरा तैयार है, ये टीम के साथ आसानी से जा सकते हैं। और फाइनल जो चेंजेस होगा वो अभी आपका अपडेट कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए ये वीडियो जो पूरा डिटेल्स आप देखा ये डिटेल्स मतलब इकट्ठा करने के लिए मुझे 8 से 9 घंटा लग गया, सुबह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि फास्ट मैच है, फास्ट मैच पे आपको अगर अच्छा इंप्रेशन दूंगा, अच्छा टीम दूंगा तो आप पूरा मैच मेरा वीडियो के छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ आपको 10-4 वीडियो ढूंढने का दरकार नहीं है, कॉन्फ्यूज़ होने का दरकार नहीं है, सिर्फ मेरा वीडियो आके देखिए आपको अच्छा खासा विन आएगा। मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, नया से नया था वर्ल्ड कप का वीडियो आज से शुरू है तो आज से ही दूंगा ना, रोज़ नया नया वीडियो डालता हूँ। और भी आज जो मैच होने वाला है आपका जो वेस्ट इंडीज़ वोमेन और आपका साउथ अफ्रीका वोमेन के बीच में, उसका भी मैं टीम आपको डाल दिया हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरा चैनल पे, देख सकते हैं। और जो आप कुछ देर पहले सुबह में एक वीडियो डाला था आपका, जो आपका लिया था कि प्लेयर पॉट्स और ड्रीम इलेवन का जो वर्ल्ड कप का बोनस ऑफर है उसके लिए, आप देख सकते हो वहाँ पे मैं बोल दिया था कि ड्रीम प्लेयर पॉट्स के ऑफर के बारे में जो आपको दिखा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसके बारे में, यहाँ पे अभी ड्रीम इलेवन का ऑफर बोल दिया था, बाद में अपडेट कर दूंगा आ जाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम इलेवन का भी आपका बोनस, देख सकते हैं आपको यहाँ पे ड्रीम इलेवन का भी जो बोनस है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे ऑफर दिया है कैश बोनस आपको, अगर 121 डिपॉजिट करेंगे तो 55 का बोनस मिलेगा, 343 आप डिपॉजिट करेंगे तो 1111 का बोनस मिलेगा, 1212 अगर डिपॉजिट करेंगे तो 500 का कैश बोनस मिलेगा, 2323 डिपॉजिट करेंगे तो 1000 का कैश बोनस मिलेगा, 4545 आप डिपॉजिट करेंगे तो 2000 का आपका कैश बोनस मिलेगा। ओके, आपको पूरा डिटेल्स में समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में देखने का पूरा, अगर देखेंगे देखने के बाद आपको किसी जगह जाने का दरकार नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाया, बहुत डिटेल से बनाया, पूरा आपको मतलब फुल लेंथ एनालिसिस किया तब आपको वीडियो डाला है।
तो मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा कोई भी जानकारी है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताए बताइए कि मेरा क्या भूल हुआ है, क्या ठीक हुआ है, मुझे समझाइए, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो मैं क्लैरिफाई कर पाऊँगा। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा ज्वाइन कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तब भी आपको समझ में आएगा। चलिए मेरा और एक बात कि मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन करके वहाँ पर आपको डिटेल्स में टीम मिलता रहेगा रोज़। जय हिंद, वंदे मातरम।